हेलो, टुडे वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल 15। तो हम राइट इक्वालिटी पढ़ रहे थे, उसके अंदर आर्टिकल 14 कंप्लीट हो चुका था। अब आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 उन चीज़ों को प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जिसे बेसिकली मैं पूरे वीडियो में RRCSP बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है उसका क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP। एक केस है, इस केस का नाम है नैनसुख दास वर्सेस स्टेट ऑफ UP। एक इसके अंदर एक स्टेट लॉ था जिसने क्या कहते हैं कि जो इलेक्शन के टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, अलग अलग इलेक्टोरेट लिस्ट निकाले, तो ये बोला गया ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इस लॉ को इनवैलिडेट कर दिया गया। एक और केस बताती हूँ, इस केस में DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसका ये रूल था कि अगर कोई भी मध्य भारत के किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो अगर वो मध्य भारत का रेजिडेंस नहीं है, मतलब ही नॉन मध्य भारत स्टूडेंट, तो उसे कैपिटेशन फी देना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला कि अरे ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, तो ऐसा बोला कि नहीं नहीं ये रेसिडेंस के बेसिस पे हो रहा था और रेसिडेंस के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड था। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे जो कि क्लॉज 2 की बात करेगा। तो ये जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि कोई भी सिटीजन हो, ठीक है, इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं बेसिकली इस क्लॉज के अंदर। इसे बोला कोई भी सिटीजन है ना, उसे हम लोग इन 5 ग्राउंड्स पे, मतलब RRCSP के बेसिस पे किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन या किसी भी तरीके की कंडीशन पे हम लोग उन्हें नहीं इम्पोज कर सकते। अगर बात किसी शॉप में जाने की हुई या किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने की हुई, किसी होटल में, ठीक है, कोई जैसे पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे कि मूवी, सिनेमा हॉल वगैरह ये सब हुई, तो वहाँ पे जाने के लिए इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लो किसी तरीके का वेल है, टैंक है, ठीक है, बाथिंग घाट है या फिर रोड है, कुछ पब्लिक रिसोर्ट है जिसका पैसा पूरा या फिर थोड़ा बहुत स्टेट फंड करती है, तो ऐसी जगह पे भी किसी सिटीजन को रोका नहीं जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, ठीक है। एक मैं आपको एक केस बताती हूँ, इस केस का नाम है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें ये बोला गया कि जो सेक्शन 497 ऑफ IPC है, जो कि बात करता है अडल्ट्री की, उसमें ये बोला गया कि इस सेक्शन को इनवैलिडेट कर देना चाहिए। क्यों इनवैलिडेट करना कर देना चाहिए? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, है ना, मतलब वुमेन और मैन को अलग ट्रीट किया जा रहा है अडल्ट्री में। अब तो खैर ये सेक्शन जा चुका है, पर पहले ऐसा था कि जो वुमेन है सिर्फ मैन को पनिशमेंट मिलता था, वुमेन को पनिशमेंट भी नहीं मिलता था, पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, वुमेन एक मतलब कठपुतली हो गई थी हस्बैंड की, तो ऐसे में सिचुएशन में ये बोला गया कि इसे हटा देना चाहिए। पर कोर्ट का ये कहना था कि नहीं, इसे हटाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन जो था सिर्फ और सिर्फ वो सेक्स के बेसिस पे नहीं था, और भी रीजन थे, जैसे लड़कियों की पहले शादी हो जाती थी, पॉलीगेमी होता था पहले के टाइम में, जो वुमेन की कंडीशन थी एंड ऑल दिस। एक और केस है इसमें RC पोडेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट थी वो इस एक संघा के लिए सीट रिजर्व करी गई थी। ये तो बोला गया कि ये तो रिलीजियस बेसिस पे सीट रिजर्व किया जा रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं जो संघा है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ऐसा इंस्टीट्यूशन भी माना जाता है, तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ये हो गया हमारा क्लॉज 2 क्लियर, दोनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर है, दोनों सब क्लॉसेस। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड जो है वो बात करता है कि ये तो हमने बोला कि देखो अगर आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 भी जो है ना वो भी इक्वलिटी की बात कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच है अगर हम आर्टिकल 14 से कंपेयर करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 5 ग्राउंड्स दे दिए गए हैं कि इन यही 5 ग्राउंड्स है, अगर इसके अलावा कोई मतलब इस ग्राउंड्स पे कोई किसी को अलग नहीं ट्रीट कर सकता, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो लेकिन ये बोला गया कि अगर स्टेट चाहे, क्लॉज 3 में बोला गया कि अगर स्टेट चाहे वुमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए किसी तरीके का स्पेशल प्रोविजन बनाना तो वो बिल्कुल बना सकती है। जैसे कि हम लोग के पास चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी एक केस बताया था आपको, यूसुफ अब्दुल अजीज़ वाला केस, उसमें भी यही बात हुई थी। तो सेक्शन 497 ऑफ IPC वो वुमेन के ही तो फेवर में वो केस था, है ना। उसके बाद एक और केस है
एक और केस है, मैं इसके अंदर ये बताती हूँ। तो मतलब बेसिकली बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जो बच्चे हैं और जो वुमेन हैं, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके राइट्स को अपहेल्ड करने के लिए, उनके कंडीशन को बेटर बनाने के लिए स्टेट अभी भी लॉस बना सकती है, ठीक है। उससे वो डिस्क्रिमिनेटर नहीं माना जाएगा, इनफैक्ट उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा, वो तो सोसाइटी के हित में है। एक केस है, इस केस का नाम है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। इस केस में बेसिकली ये बोला था कि भले ही तुम मतलब वुमेन के लिए रिजर्वेशन करो या बच्चे के लिए रिजर्वेशन करो या उनके लिए एक्ट बनाओ, पर अगर कभी रिजर्वेशन करते हो वुमेन के लिए, ऐसा होता है ना कहीं पे कि वुमेन के रिजर्वेशन, तो जो लिमिट है एक सीलिंग लिमिट लगा देगा कि मतलब 50% एक्सीड नहीं होनी चाहिए, नहीं कि आप 50% ही एक्सीड कर दो। ओके, अब हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि है क्लॉज 4 की बात करता है। क्लॉज 4 में ये बोला गया है कि अगर स्टेट चाहे तो वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर शेड्यूल कास्ट SC या फिर शेड्यूल ट्राइब्स ST के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए अगर वो लॉज बनाना चाहे तो वो लॉज बना सकती है, उसे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 15। ये वाला जो क्लॉज है बेसिकली इसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से डाला गया था। एक केस था, इस केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराय राजन। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि ये बोला गया था कि एक मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे जो सीट थी वो फिक्स थी। किस बेसिस पे सीट फिक्स थी? ऑन द बेसिस ऑफ ये है ना कि मतलब हर एक कम्युनिटी के बच्चों को इतनी इतनी सीट मिलेगी, तो ऐसा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज थी, तो उसमें ऐसा बोला गया कि मतलब अगर इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो इन इस कम्युनिटी वाले बच्चों को इतनी सीट दी जाएगी। तो ऐसा बोला गया कि ये तो जो लॉ है, मतलब अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि अब एक बात बताओ ना, कम्युनिटी वाइज ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हुआ ना। हाँ, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए थोड़ी था, अगर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से बनाते हैं तो समझ आता है। और बात करें मेडिकल कॉलेजेस की, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एम ये रहना चाहिए, हमें यहाँ पे एफिशिएंसी देखनी चाहिए, ये नहीं कि किस बच्चे का एडमिशन मिल पा रहा है कि नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि बेस्ट बच्चे का एडमिशन मिले, बेस्ट मेरिट वाले बच्चे का एडमिशन मिले। देन उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ओके, इससे पहले ये जो मैंने ये जो बताया था ना क्लॉज, ये आर्टिकल 46 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में मैं ये बताऊंगी कि SC कौन होते हैं, ST कौन होते हैं। तो जो SC ST है वो तो आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 और 25 में डिफाइंड है, लेकिन ये बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसकी डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट इसके लिए कोई एक एग्रीड यूनिवर्सली एग्रीड फार्मूला भी नहीं है किससे पता चल जाए। तो चलो अब हम इसे केस के थ्रू जानेंगे। एक केस है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर किए थे कि किसको बैकवर्ड क्लास कहा जाएगा, ठीक है। केसेस के थ्रू ही इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है कौन बैकवर्ड क्लासेस में क्लास में आएगा। तो एक केस है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ माइसोर। इस केस में क्या था कि जो ये बोला गया कि अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं किसी को तो हमें उसके सोशल पोजीशन देखनी चाहिए कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो मतलब एजुकेशन कैसी है उस पर्टिकुलर लोगों के बीच, उस पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में। दूसरी चीज़, हम हमेशा कास्ट को ही एक सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं मान लेंगे कि हाँ अगर ये इस जात का है, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर ये लोअर कास्ट को बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली ये सोशल एजुकेशन बैकवर्ड होंगे। ये हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर यही अकेले डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। फिर ये भी देखी जाएगी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, और ऑक्यूपेशन क्या, ऑब्वियसली ऑक्यूपेशन के हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन पता चलेगी। फिर सीलिंग लिमिट की बात करता है कि भले ही अगर आप SC ST के लिए रिजर्वेशन कर रहे हो, पर ये देखना कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर वो सीलिंग लिमिट लगा दी गई। उसके बाद फिर ये बोला गया कि जो हम बैकवर्ड क्लासेस, अच्छा एक कोई पहले केसेस थे उसमें क्या कर रहे थे ना ये लोग, बैकवर्ड क्लासेस को और बैकवर्ड क्लासेस में डिफाइन करते, जैसे होती है ना क्रीमी लेयर, वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस को मोर बैकवर्ड क्लासेस में डिफाइन कर रहे थे। तो इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, यू कैन कमेंट इट। तो यहाँ पे तो इसमें ये हुआ इस वाले केस में कि बैकवर्ड क्लासेस को और बैकवर्ड क्लासेस में रिकॉग्नाइज करना ये वॉइड माना गया, ठीक है, ये कोई वैलिड टेस्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमेशा एडवांसमेंट ऑफ ए सोसाइटी एट लार्ज इज टू बी कंसिडर्ड, ओके। उसके बाद एक और केस है, ये जो केस है ये बताएगा कि रिजर्वेशन, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, और तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर इस केस में बात करते हैं। टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में दो चीज़ों की बात करें, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, ये बोला गया कि आप रिजर्व कर रहे हो ऑब्वियसली 50% वाली सीलिंग लिमिट, और एक कैरी फॉरवर्ड रूल। मान लो इस पर्टिकुलर ईयर में सपोज मैंने SC के लिए 17% सीट रिजर्व कर रखी है, तो मान लो क्या होता है कि मैं 17% सीट नहीं फिल कर पाती, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे मुझे उस सीट के कैपेबल कोई स्टूडेंट नहीं मिलता या जो भी हो।
है ना। तो मैं ऐसे सिचुएशन में मान लो सिर्फ 16% ही रिजर्व, ओके सपोज 10% रिजर्वेशन हुआ, तो क्या मैं अपना 7% रिजर्वेशन अगले साल कैरी कर सकती हूँ? तो पहले ऐसा होता था कि हाँ ऑब्वियसली उसे कैरी किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड रूल एप्लीकेबल था, लेकिन इस केस में कहा गया कि नहीं, उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ओके नाउ अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि क्लॉज 5 की बात करता है। दिस इज आवर लास्ट क्लॉज। ये जो क्लॉज है, ये कहता है, ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2006 से आया, ठीक है। ए और एक केस था PA नामदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये हुआ ना कि जो ये रिजर्वेशन वाली जो पॉलिसी है, ये होता है कि इतना कोटा लगना इन लोगों का, या फिर इतनी सीट इन लोगों के लिए रिजर्व करना। तो बोला गया कि ये रूल जो है ना, वो जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये बेसिकली ये जो क्लॉज है ना, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। तो इस PA नामदार वाले केस में ये कहा गया कि अगर मान लो कोई माइनॉरिटी हो या फिर नॉन माइनॉरिटी हो, अगर वो अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो स्टेट उधर जो है अपना रिजर्वेशन वाला रूल नहीं लगा सकता। जैसे अगर हाँ, अगर वो स्टेट के फंड से चलता है तो स्टेट वहाँ पर रिजर्वेशन वाला रूल लगाए चलेगा, लेकिन अगर वो स्टेट के फंड से नहीं चलता, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, भले चाहे वो चाहे एडेड मतलब माइनॉरिटी हो या नॉन माइनॉरिटी हो, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट का कोई मतलब वो नहीं चलेगा। लेकिन बाद में इस अमेंडमेंट के बाद से जब क्लॉज 5 आया, तो उसमें ये हुआ कि अगर स्टेट चाहे तो अनएडेड है ना, नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जहाँ वो नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसका फंड सरकार नहीं देती, अगर सरकार वहाँ पे रिजर्वेशन करवाना चाहती है तो बिल्कुल करवा सकती है। हाँ ऑब्वियसली उसके कुछ रूल्स होंगे, लेकिन अगर करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। और इसके अंदर माइनॉरिटीज़ नहीं आते, जैसे मदरसा वगैरह ये सब नहीं आते, ठीक है, वो इस क्लॉज से एक्सक्लूडेड है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इस आर्टिकल का मतलब ये है, इस क्लॉज का मतलब ये है कि इस आर्टिकल में या फिर आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज G में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट को कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने से रोके, जो कि किसी भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए हो, अगर उनकी एडमिशन की बात हो रही है इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, भले ही वो अनएडेड ही क्यों ना हो। आई होप ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया है। अब अगले वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस।